सारी मजदूर किसान मिलजुल के रहना रे क्रांतिकारी टंडा तले संगठित होना रे। मैं ज्यादा ज्यादा 50-60 जन कुमार बारूद से हो रहा है। तुम्हारो हटा दो एक गांव हमारा एक गली हमारी। रामायण में जिसे दंडकारण्य कहा गया आज उस बस्तर को जाकर देखेंगे। सड़कों की व्यवस्था सुधरे, स्कूलों के काम अच्छे से होने चाहिए। सरकारी हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा। नक्सल प्रभावित ये पूरा का पूरा हिस्सा है। कांग्रेस का कुशासन जो 5 वर्ष का चला है, हर वर्ग का हर समाज का विकास किया गया है। नक्सलवाद ने दंश दिया है बस्तर को। बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है जिनकी जान नक्सलियों ने ले ली थी। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे इसके रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2024 के सत्ता के फाइनल के पहले सेमीफाइनल के लिए पूरा जोर लगाकर हर एक दल ने रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई मुख्य तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मुद्दों का जोर जरूर है लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी बातें ऐसी भी हो रही हैं जिसके जरिए यहां के फाइनल नतीजे अपने पक्ष में करने की कोशिशें कवायद लगातार जारी है। लेकिन आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के उस हिस्से में जहां पर खून और हिंसा का एक लंबा दौर देखा गया। रह रहकर इस तरह की खबरें सामने आती हैं जिसके बाद मन विचलित हो उठता है और सवाल जेहन में आ जाता है कि आखिर वहां की स्थिति सुधरती क्यों नहीं है। रामायण में जिसे दंडकारण्य कहा गया आज उस बस्तर को जाकर देखेंगे, टटोलेंगे वहां के मुद्दे, जानेंगे कि हिंसा के दौर को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वहां की जनता के जेहन में क्या है और इस बार के चुनाव में कौन सा नेता उनको सबसे ज्यादा लुभा रहा है, भा रहा है और क्या है बस्तर के बड़े मुद्दे। चुनावी राजनीति के बुने रेशे रेशे को जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम आप तक पहुंचा रही है और आज हमारी बाइक चली है बस्तर में। जी हाँ, वो बस्तर जिसके दो चेहरे हैं, एक नक्सलवाद के लिहाफ में लिपटा बेहद स्याह है और दूसरा वो चेहरा जो कुदरत की खूबसूरती में रचा बसा बेहद सुनहरा है। एक वो चेहरा जिसमें घुली हुई है नक्सलियों की बंदूकों से निकली बारूदों की गंध, दूसरा वो चेहरा जिसे कुदरत ने तराश कर बस्तर को दी है सुगंध। एक तरफ नक्सलवाद, दूसरी तरफ जलप्रपात। कहते हैं छत्तीसगढ़ में सत्ता का सिंहासन अगर पाना है तो बस्तर के रास्ते ही जाना है, क्योंकि बस्तर ही वो संभाग है जिसके हिस्से सरकार बनाने का विभाग है। बस्तर ही सत्ता दिलाता है और बस्तर ही बोरिया बिस्तर बंधवाता है। छत्तीसगढ़ की सियासत का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और यहां पर 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें 12 सीटें इसी बस्तर संभाग से आती हैं। आदिवासी बहुल इस इलाके में 12 की 12 सीटों पर मौजूदा वक्त में अभी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। बस्तर संभाग अगर कांग्रेस के कब्जे में है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में कांग्रेस की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। इस बार भी कांग्रेस को भरोसा है कि वो जीत दोहराएंगे, मगर बीजेपी का मानना है कि इस बार वही सत्ता में आएंगे और कांग्रेस को हराएंगे। लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये देखने निकली जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम का सामना इन तस्वीरों से हुआ। रायपुर से बस्तर के रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त हमें और तय करना है, लेकिन रास्ते से जहां जहां से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से बस्तर के पास वाले इलाके में अगर आप देखेंगे तो बीएसएफ के ये तमाम जवान जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं सर्च ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल का घना इलाका है और इस वजह से ये तमाम लोग अब अंदर की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे। पीछे की तरफ आप देखिए, कई ऐसे जवान हैं जो बिल्कुल भीतर अंदर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। काफी कड़ी धूप है, आपको बताते चलें कि दोपहर के 2 बजने जा रहे हैं, काफी कड़ी धूप है, लेकिन ये लोग पैदल ही ऐसे सड़कों पर आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में जाकर बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इन जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है वैसे वैसे फिर नक्सली हमले और ज्यादा तेज हो जाते हैं।
पहले का इतिहास कुछ यही बताता है, लेकिन उससे सीख लेते हुए फिलहाल व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि आगे दिक्कत ना हो, इस वजह से सुरक्षा यहाँ पर बहुत कड़ी और बड़ी की गई है। बस्तर में इस वक्त नक्सली गोलियों की गूंज अगर सुनाई नहीं दे रही है तो उसका कारण ये जवान है जो दिन रात इन जंगली इलाकों में पेट्रोलिंग करते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं ताकि बस्तर दिन में खिलखिलाए और रात में चैन की नींद सो जाए। बस्तर ने नक्सली हमले का वो घाव सहा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। याद होगा आपको, सुकमा के इसी झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया था। दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के साथ 33 लोगों को नक्सलियों ने मार डाला था। झीरम घाटी शहीद स्मारक में इस वक्त मैं आ चुकी हूं और यहां पर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम उन बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है, फूल उन पर चढ़ाए गए हैं जिनकी जान नक्सलियों ने ले ली थी। झीरम घाटी शहीद स्मारक बनाया गया है और यहां पर आप देखेंगे ये लकड़ी का बोर्ड है जिस पर फोटो जो उकेरी गई है, शहीद विद्याचरण शुक्ल हैं, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और नंद कुमार पटेल के बेटे दिनेश पटेल भी उस वक्त साथ में थे। यहां दूसरी तरफ उदय मुदियाल जी और इस तरह से तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी तस्वीर यहां पर लगाई गई है। साल 2018 में नक्सली हमले में 153 लोगों की मौत हुई, 2019 में 77 लोगों की जान गई, 2020 में नक्सली हमले में 111 लोगों की मौत हुई, 2021 में नक्सली हमले में 101 लोगों की जान नक्सलियों ने ले ली, 2022 में नक्सली हमले में 61 लोगों की जान चली गई। ऐसा नहीं है कि सरकारें नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में चले आएं। इसीलिए सरकार ने सरेंडर नीति अपनाई है। इस सरेंडर नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास के लिए घर, खेती, मुफ्त इलाज, राशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हर महीने 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। नक्सली कैडर के हिसाब से सरेंडर होने पर इनाम भी देने की योजना है जिसमें 5,00,000 रुपए की धनराशि के साथ ही सरकारी नौकरी भी देने की तैयारी है। इसीलिए नक्सली बड़ी तादाद में हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। एक ऐसे दंपति के साथ इस वक्त बस्तर में मेरी मौजूदगी है जिन्होंने साल 2000 में नक्सलवाद छोड़कर आम जीवन अपनाया था और अभी उनकी जिंदगी कैसी चल रही है जरा जानते हैं। बद्रन्ना जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं लतक्का जी, आप दोनों का स्वागत है। अभी तो नक्सलवाद काफी कम हो गया, यहाँ पर सरकार ने बहुत वो काम किया है और फोर्सेस का जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हुआ है तो अभी कम हुआ है यहाँ पर पहले के मुकाबले। पार्टी में एक सिद्धांत है, दुश्मन यदि दौड़ के आता तो आप रिट्रीट होना, मैंने पीछे हटते जाओ। जब दुश्मन पलट के यदि वो समझ जाएगी हार गया, हार समझ के पलट के जाते समय पीछे से वार करो, ये हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत है। गोली चलाते थे या कैसे मारते थे? तो हमारे पास दो सिस्टम है, यदि गोली बचाना है तो हम साधारण हथियार से मारते हैं, टेंगिया है, बंडा है, इसमें मारते हैं। अच्छा। इसको इसमें मारने का कारण ये था कि हथियार हम मैंने तो साधारण हथियार से किस पे सिर पे मारते थे? हाँ, सिर से मार देते, छाकू से घुसर देते, ऐसे करके मार देते, ऐसे मार। नक्सलियों को लोगों का प्यार मिलता है और फिर वो खून बहाते हैं लोगों, आर्म फोर्सेस का, फोर्स का ऐसी नहीं है अभी फोर्स खुद ही देख, जब हम नक्सली में रहते थे उस समय हम कितने कितने लोगों को मारा आपने बताया? ऐसे मोटा मोटा तो आप छोड़ चुके, अब तो नक्सली है नहीं आप। मैं ज्यादा ज्यादा 50-60 जन को मारा। आपने 60 लोगों को मारा है? 60 लोगों को कितने को गोली से मारा होगा, कितने को चाकू से मारा होगा? हम गोली से नहीं मारे, बारूद से उड़ाए थे। लेकिन कभी अफसोस नहीं हुआ कि अपने ही देश के लोग, अपनी ही फोर्सेस, वो लोग हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ हम हथियार चला रहे हैं? ये तो आपको राजनीति दृष्टि में जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसी अपन बात कहें तो समझ में नहीं आता है। अरे घर घर वहा गए नक्सल बारी है, गाँव गाँव वहा गए नक्सल बारी, आया आया भाई नक्सल बारी, वो हरते जीतते गुरे आ गए नक्सल बारी, वो कहाँ गई? अरे गाँव गाँव वहा गए नक्सल बारी, वो शहर में पहुंच गया नक्सल बारी, वो आया आया भाई नक्सल बारी। हिंसा के रास्ते पर चल रहे नक्सली अगर जीवन में शादी ब्याह रचाना चाहते हैं तो फिर आगे उनकी जिंदगी कैसी होती है ये बद्रन्ना से ही सुनिए। ऐसी वहाँ होने के बाद फिर हम बोले ठीक है हम शादी करेंगे, तो बोले शादी करने के पहले नसबंदी करने के लिए ओके करेगा तो शादी कर लेंगे, तो हम फिर दोनों नसबंदी के लिए ओके किए थे। अच्छा। तो हमको नक्सली में नसबंदी किया था। आपका नसबंदी हो गया था? हो गया था। फिर हम टोटल आपने नसबंदी करवा ली? टोटल हम लोग 5 जन नसबंदी करवाए थे हमारा टीम के साथ।
तो फिर बच्ची कैसे हुई? रुक ना, बताए ना आप तो बहुत। टोटल हम लोग 5 जन नसबंदी कराए थे महाराष्ट्र जाके गढ़चिरौली जिला में जंगल में डॉक्टर लोग को बुला के। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर लोग आए थे, नसबंदी कराए थे। हम लोग डॉक्टर लोग भी समझाए थे, भाई आप लोग छोटे छोटे उम्र लोग को क्रांति के चक्कर में आपको बहुत उसको खत्म कर रहे हैं, इस टाइप का समझाए हम लोग। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका आदिवासियों की होती है। बिना उनके समर्थन और आशीर्वाद के छत्तीसगढ़ की सत्ता मिलनी मुश्किल है। साल 2008 में बस्तर संभाग में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। 2013 में बीजेपी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई थी। साल 2018 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थी। सियासी लड़ाई तो अपनी जगह है, मगर विकास की बात करें तो बस्तर बेहद पीछे दिखाई देता है। करता होगा हिंदुस्तान चांद की सतह पर चहलकदमी, मगर बस्तर के बहुत इलाके हैं जहां चलने के लिए राह नहीं, न रास्ते, न स्कूल, न कॉलेज, न विकास के कामकाज। रोड के काम अच्छे होने चाहिए, स्कूलों के काम अच्छे से होने चाहिए, शिक्षा विभाग में काम अच्छा हो, गांव-गांव के बच्चे के पढ़ लिख नहीं पा रहे, अधिकतर पढ़े शिक्षित हो, बस यही चाहता हूं मैं। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो रोड है अभी NH है, तो वहां पर क्या मतलब रहता, अभी तक उसको कराया नहीं है। रेल लाइन की पटरी बीत जाती है तो यहां पर लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ साथ व्यापारिक सुविधा भी हमारी बढ़ेगी और हम अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि तरक्की की कहानियां गढ़ने वाले हिंदुस्तान में बस्तर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां विकास किस चिड़िया का नाम है लोग नहीं जानते। बुलेट ट्रेन पर इतराने वाले भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां के लोगों ने रेलगाड़ी आज तक नहीं देखी। रेलगाड़ी कभी देखी है? रेलगाड़ी नहीं है। इनको रेलगाड़ी के बारे में जानकारी ही नहीं है। रेलगाड़ी के बारे में जानकारी है किसको कहते हैं? हमको पता नहीं है। आया ट्रेन देख ली सर? नहीं। छुक छुक की आवाज कभी नहीं आई यहाँ पर? कभी ट्रेन की कोई आवाज नहीं सुनी, नहीं देखी? सोचे लेर गाड़ी आए बोलते जानू, मानते नहीं जानू। रेलगाड़ी है करके जानती हैं, हाँ। लेकिन कभी देखा नहीं है, कभी बैठे नहीं है रेलगाड़ी। अच्छा, में कभी नहीं बैठी है। आप बैठी हैं कभी? इनसे पूछिए, रेलगाड़ी में कभी बैठी हैं? नहीं बैठी है, कभी नहीं बैठी है। नहीं आया। रेलगाड़ी देख ली? नहीं। लोगों की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं, मगर रेल मार्ग का ना होना यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा खलता है। वो लोग जो यहाँ के मुद्दों को उठाते रहे हैं, जरा उन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी समस्या बस्तर की, जगदलपुर की क्या नजर आती है? सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है, दूसरा बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कमी है, तीसरा बस्तर में कनेक्टिविटी, चौथा हेल्थ इशू जो है वो बस्तर में आजादी के बाद से अब तक लगातार लोग सफर करते आए हैं। और ये बस्तर के मूल मुद्दे हैं जिन पर ना तो राजनीतिक दलों का ज्यादा ध्यान है और ना यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो रेल है। यहाँ के लोग 60 वर्षों से ज्यादा समय हो गया यहाँ से राजधानी को जोड़ने के लिए रेल की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक उत्तर भारत से हमारा जो ये बस्तर है ये जुड़ा नहीं है। लेकिन इसी बस्तर का एक हिस्सा ये भी है जहां रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया जा रहा है। DRDO जो यहां पर रिसर्च कर रही है, तो अग्नि मिसाइल का जो एक्सप्लोजिव बनता है वो कहीं ना कहीं उसको इंजन कहा जाता है, तो जो उसका कंप्यूटराइज्ड जो टेस्ट है, टेस्ट ऑर्बिट जो है वो अंदर है और अंदर पूरी फायर प्रूफ बिल्डिंगें हैं और उसके कारण यहाँ पर अलग अलग डाया की जो मोटरें बनती हैं वो कहीं ना कहीं उसका टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट होता है और उसके बाद जो है उसका फाइनल असेंबलिंग जो है वो दूसरी जगह होता है। कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी, जीत का परचम लहराएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो जीत रही है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं विकास चाहिए, हमें तो सिर्फ बघेल चाहिए।
बीजेपी में जो केंद्र की सरकार है 9 वर्ष की, उनकी उपलब्धियां और डॉक्टर मन सिंह ने जो 15 वर्ष यहाँ पे काम किया उसको ध्यान पे रह के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस का कुशासन जो 5 वर्ष का चला है, अराजक राजनीति उन्होंने की, 36 वादे जो उन्होंने किए उसमें एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता निश्चित रूप से परिवर्तन के मूड में है। बदलबो बदलबो ए बेरा कांग्रेस लाल सरकार को बदलबो। जो 36 वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने उसमें 32 वादे पूरे किए हैं और यह सरकार किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, यह किसान मजदूरों की सरकार है। इस प्रदेश में हर वर्ग का, हर समाज का विकास किया गया है, खासकर बस्तर में आप देख सकते हैं तो आदिवासियों के लिए देवगुड़ी का काम किया है हमारी सरकार ने। यहाँ के आदिवासियों के आरक्षण की व्यवस्था में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। ये लोग आकंठ 60 साल तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं। देश को डुबोने का काम कांग्रेस ने किया है, उसी का प्रतिफल है कि ये देश से गायब हो रही है, वैसे ही छत्तीसगढ़ से भी गायब होने वाली है। जो जिस पार्टी का है उसके नाम की माला जप रहा है, मगर बस्तर रियासत और उस राजघराने के लोगों को भरोसा है कि इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता जरूर पाएगी, बीजेपी ही आएगी। 12 विधानसभा में आज की स्थिति यह है कि 12 के 12 विधायक कांग्रेस के हैं। बिल्कुल। इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अच्छा। हमें ऐसा लगता है कि हम कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसके लिए। और ये कहावत भी कही गई है बस्तर में कि जिसकी सरकार बनती है वो बस्तर से ही बनती है, जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी वही बनाते हैं। बस्तर में बड़ी तादाद में आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों की परंपराएं और संस्कृति आपको एक अलग ही रहस्यमय संसार में पहुंचा देती हैं। कभी कहीं सुना है आपने कि लोग ईश्वर को दंड देते हों? बस्तर में लोगों की पंचायत लगती है और ईश्वर दंडित किए जाते हैं। वो आरोप ये होते हैं कि जैसे किसी गांव में कोई बीमारी आ गई, उससे कोई डेथ हो गई, कुछ हो गई, तो उनका ये मानना है कि ये हम तो इनकी कृपा से मौजूद हैं, तो अगर आपके रहते हमारे इतने लोग मर गए तो आपकी आपका रहना किस काम का। तो उनके खिलाफ अदालत में ये तर्क रखा जाता है और तर्क के हिसाब से जिसका जितना बड़ा गुनाह होता है उस हिसाब से उसको सजा दी जाती है। ऐसी अतरंगी परंपराओं से पटापड़ा है बस्तर। इन्हें ही देख लीजिए, चींटी की चटनी बना रही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि चींटी की चटनी खाने से इम्यूनिटी में इजाफा होता है। इस वक्त बस्तर में अरावती जी का ये कच्चा मकान है और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये चींटियां हैं, कुछ मरी हुई हैं, कुछ जिंदा हैं और कुछ उसके अंडे हैं। और ये लाल मिर्च, अदरक और आपको लहसुन दिखाई दे रहा है, नमक है। चींटियों की चटनी बनती है यहाँ पर। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस चापड़ा चटनी को खाने से शरीर में इम्यूनिटी होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर बुखार होता है तो ये जो चींटी है उससे अगर एक डंक करवा लिया तो फिर उससे बुखार ठीक हो जाता है। बात बस्तर की हो तो चित्रकूट का ये जलप्रपात सबसे पहले जेहन में आता है। दूर दूर से सैलानी इसे देखने आते हैं, लुत्फ उठाते हैं। इंद्रावती नदी पर स्थित ये बेहद खूबसूरत जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसकी विशेषता ये है कि बारिश के दिनों में ये रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। नक्सलवाद के दंश ने बस्तर को ऐसा बदनाम किया कि यहाँ की खूबसूरती दुनिया तक नहीं पहुँच सकी। मेरे ठीक पीछे चित्रकूट जलप्रपात आप देख रहे हैं। आपको बता दें, इंद्रावती नदी है जो कि ओडिशा से चलती है और फिर इस तरह से वाटरफॉल के तौर पर यहाँ पर तब्दील होती है। 254 किलोमीटर अलग अलग हिस्सों में बस्तर के होते हुए उसके बाद जाकर ये दूसरे राज्य में गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में जाकर मिल जाती है। ऐसा ही है बस्तर, अपनी तमाम परंपराओं, खान पान, रहन सहन को समेटा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद के दंश को झेलते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ। अब इस बार का बस्तर किसे अपनाएगा, किसके हक में फैसला सुनाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। 2023 के चुनाव में बस्तर की 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं, तो वहीं बीजेपी का पूरा जोर है। अब यहां की जनता किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको कर देती है बाहर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन नासिर और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बस्तर छत्तीसगढ़ आज तक।